एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है एक कटोरी चने की दाल। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी चीज ले सकते हो। और साथ में ही मैंने ली है आधा कटोरी से कम यानी 1/3 कटोरी उड़द की दाल। तो यहाँ पे मैंने उड़द की दाल इस वजह से ली है ताकि पानी और दाल अलग अलग ना रहें, क्योंकि चने की दाल उतने अच्छे से नहीं घुल पाती है, इस वजह से उड़द की दाल इसको गाढ़ा करेगी। और साथ में ही मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के टमाटर, 2 हरी मिर्च, कुछ कलियां लहसुन की और 4 मीडियम साइज के प्याज। तो आपने रेस्टोरेंट और ढाबे में तो कई बार दाल खाई होगी, लेकिन घर की दाल में वो मजा नहीं आता। तो चलिए आज हम बताएंगे ढाबा और रेस्टोरेंट स्टाइल दाल फ्राई आप घर पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दाल को हम 2 से 3 बार धुल लेंगे, जिससे दाल सॉफ्ट भी हो जाएगी। दाल आपको पहले भिगो के नहीं रखनी है, बस 2-3 बार धुल लेंगे, इतना काफी है। इसी तरह से हम उड़द की दाल को भी 2-3 बार धुल लेंगे। आप उड़द की दाल की जगह मूंग की दाल का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं, प्याज को बारीक बारीक नहीं काटना है, बस इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेने हैं। और साथ में ये हरी मिर्च को बीच से फाड़ देना है ताकि ये बॉईल होते टाइम अपना टेस्ट अच्छे से छोड़ पाए। और टमाटर के भी हमें इस तरीके से 4 टुकड़े कर लेने हैं। तो अब हमने एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें दोनों दालें हमने डाल दी हैं। उसके बाद जो हमने प्याज को काट के रखा था उसको डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे और साथ में हमने 7-8 कलियां लहसुन की डाल देनी है। और साथ में ही हम टमाटर भी डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाली है और 2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ली है 4-5 काली मिर्चें और 2 लौंगे। अगर आप बहुत सिंपल दाल बना रहे हैं तो आप इनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल मैंने इस वजह से और डाला है क्योंकि दाल बनते टाइम बहुत फैलती है। आप लोगों ने देखा होगा पूरा प्रेशर कुकर गंदा हो जाता है, उसकी सीटी से दाल बहुत फैलती है। तो अगर आप 2 चम्मच ऑयल डाल लेंगे तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दाल ली थी, जिसमें हम 4 कटोरी पानी डाल देंगे। और दाल गाढ़ी भी रहती है तो दाल बनने के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर लेंगे। तो देखिए चने की दाल बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे 7 से 8 सीटी लगाई हैं। तो देखिए दाल तो पूरी तरीके से पक चुकी है, लेकिन देखने में थोड़ी सी पानी और दाल अलग अलग हैं। तो अब हमने क्या करना है, एक मैसर लेना है और बहुत ही रफली दाल को मैश कर लेंगे इस तरीके से। तो अब दाल परफेक्ट है। तो आप लोग देख सकते हो दाल बढ़िया से घुल चुकी है। तो दाल को मैंने दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे दाल थोड़ी सी गाढ़ी थी तो मैंने 1 कप गरम पानी डाल दिया है। पानी आपको गरम ही डालना है, नहीं तो दाल का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो अब आप लोग देख सकते हो दाल परफेक्टली तरीके से तैयार है। अब हम चलते हैं तड़के की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है, उसमें देसी घी डालेंगे। 2 बड़ी चम्मच मैंने देसी घी डाला है। हो सके तो आप तड़के के लिए देसी घी का ही इस्तेमाल करें। तो अब हम इसमें डालेंगे लगभग 1/2 चम्मच साबुत जीरा। और जब जीरा हल्का सा भुन जाएगा उसके बाद हमने 4-5 कटी हुई लहसुन की कलियां डाली हैं और 2 हरी मिर्चें काट के डाली हैं। और अगर आप चाहो तो इनके साथ कटी हुई अदरक भी डाल सकते हो। उसके बाद मैंने 1 तेजपत्ता और 2 लाल मिर्चें डाली हैं, जो कि तड़के का इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद मैंने 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि बढ़िया से कलर आए, दाल हमारी चटक मटक सी लगे देखने में, क्योंकि जब देखने में अच्छी होगी तभी खाने में भी अच्छी होगी। तो चलिए जल्दी जल्दी, तड़का तो तैयार हो चुका है, अब हम ये तड़का सीधा डाल देंगे दाल में। वैसे फोन में खुशबू वाला फीचर नहीं है, अगर होता तो आप तड़के की खुशबू सूंघ के कहते वाओ। अब हम तड़का और दाल को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस दाल के आगे ढाबा और रेस्टोरेंट की तो दाल फेल है, आप एक बार इस दाल को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर देते हैं। और इस तड़के में मैंने जो लाल साबुत मिर्चें डाली थी उनका तो कहना ही क्या, आपके घर में जो ज़्यादा स्पाइसी खाता हो उनको ये साबुत मिर्चें जरूर सर्व करना। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा लिया है सैलेड। और आम का अचार तो दाल चावल का जायका ही बदल देता है।
तो दाल चावल के साथ आम का अचार लेना ना भूलें। और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये रेसिपी तो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।